आज मैं बड़े टाइम बाद ऊपर छत पे आई हूँ धूप खाने के लिए, और सही में बड़ा अच्छा लग रहा है। तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। मेरा दोस्त भी मेरे को याद कर रहा था। ये मेरा दोस्त है, छोटा छोटा सा दोस्त है ये मेरा, है ना भाई? एक दोस्त तो चला गया, सक्षम चला गया। नानी जा रही है कल? हाँ। है अभी छत से चली गई, अब घर से जाएंगी, कलकत्ता जाएंगी अपना। नानी नानी की याद तो आएगी ना? हाँ, फिर मैं 2 महीने जाऊँगा। मेरे को भी ले चली हो? मैं भी चल दूंगी। है ठीक है, आ जाए। इसकी नानी जा रही है कलकत्ता जा रही है इसकी नानी। इसको याद आ रही है नानी की कि नानी जाएगी तो फिर मैं कैसे खाऊंगा, है ना? हाँ, और छत पे भी नहीं ज़्यादा आ पाऊंगा। हाँ, क्योंकि मम्मी तो आई नहीं सकती, काम करती है। बस कभी कभार जब मम्मी फ्री होगी तभी। बेटा ऐसी तो आंटी का है, आंटी भी फ्री नहीं हो पाती ना बिल्कुल भी, इसलिए नहीं आ पाती। मेरी कोई हेल्प करता नहीं है, तू करता ना मम्मी की हेल्प? झूठा 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 करता मम्मी की हेल्प। जब मैं अपना पढ़ाई खत्म कर लेता तो मम्मी जैसे कि आटा बना रही है कुछ रोटी वगैरह, तो आटा का जो डिब्बा है वो रखना। अच्छा, वो रखना है मम्मी की छोटी छोटी हेल्प। हाँ तो बेटा ऐसी तो हेल्प करता है मम्मी की, मम्मी को अच्छा भी लगता है ना ऐसे। और पढ़ाई पेपर हो गए तेरे? हाँ, मेरे पेपर हो गए। हो गए? अब रेसिटेशन। रेसिटेशन। अच्छा, पोयम डिसाइड करनी है। पोयम? अच्छा, कौन सी पोयम याद करी है? वो समय को। और उसकी सेक्शन कैसे पढ़ाई करता है? अच्छा करता है। अच्छा करता है वो, तो डेजी डॉल स्कूल में भी जाता है। बड़े टाइम बाद क्या आई ऊपर, बहुत टाइम बाद ऊपर आई हूँ मैं धूप खाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, सर्दी जुकाम लगे हुए थे, धूप भी नहीं थी, बहुत ठंडा मौसम था और हवा भी बहुत चल रही थी, इस मारे हम ऊपर आते नहीं थे। आज थोड़ी सी धूप आई है तो आज मैं बैठी हूँ धूप खाने के लिए, लेकिन सारे के सारे चले गए यहाँ से। कपड़े मैंने आज धोए नहीं क्योंकि कपड़े कल धोऊंगी, जिस दिन नहाती उस दिन कपड़े नहीं धोती हूँ, ठंड लग जाती है फिर, इसलिए मैं कपड़े धोऊंगी कल। ये हमारी आंटी जी कपड़े धो लिए आंटी जी ने। अब आंटी जी कपड़े सुखा रही है, सुखा नहीं दिए, अरे मम्मी नहीं आएगी तेरी साक्षात? कह तो रही थी अगर काम होगा तो देगा। कितना ड्रामे बजाता है। कल ना था और मैंने ना रेस्क्यू टीम खोली थी, कैट को ना हमने एक पत्थर मार दिया पीठ पे, और मुझे आवाज ना नीचे बहुत तेज आ रही थी तुम्हारी पत्थर मारने की। हाँ, लेकिन गलत चीज़ है बेटा ये, क्या किसी को मारना चाहिए? फिर अच्छी चीज़ नहीं है ना? नहीं, एक बार बताओ किसी को मारना चाहिए क्या? नहीं बेटा, जानवर भी तो वो होते हैं ना, ऐसे थोड़ा ना करना चाहिए ना। अगर कोई तुझे ऐसी मार देगा पत्थर से तो तुझे कैसा लगेगा? अच्छा नहीं। हाँ तो बेटा कोई नहीं, उसको भी ना मारा मत करो अगर, ठीक है? वैसे भगा दे अगर ऐसे, तो ऐसे खेलने में जैसे भाग गया भाई ऐसे कर सकता है लेकिन पत्थर नहीं मारना चाहिए ना। आज पता है एबी की पिटाई हुई? हाँ, पता है। किसने मारा था? पापा जी ने। क्यों मारा था? मैं रो रहा था। किस लिए? खाना नहीं खाना था मुझे। किसने बताया खाना नहीं खाया? मैंने इसके लिए आलू के पराठे बनाए, उसने खाना नहीं खाया। हाँ, बताया तो मेरे को, तो आलू के पराठे बहुत पसंद है ना, देखने खाया ही नहीं, मुझे तीखे लगते हैं। इतना गंदा लड़का है। एक और आ गया हीरो। हेलो, हाय, क्यों बोलो? हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारी वीडियो को लाइक करो। ये कैसे बोलता है? चल बोलिए, पहले तू बोल। क्या बोलूं, भूल गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं बोलना, हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। वेरी गुड। अब आप साक्षात बोल के दिखाएगा कैसे बोलते हैं। मैं तो पहली यूट्यूबर तो मेरे को। हाँ तो पता ना फिर। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और हाँ कमेंट कर लो, नहीं बोलना। वेरी गुड। अब ये भी बोलेगा, हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय। ये देखो ये वो नीचे भूत है। ओए ये भी गलत बात है बेटा, ये ये
आंटी है आंटी। हाय यार बड़े टाइम बाद। हेलो, हम दोनों आज बहुत दिनों बाद मिले, हम दोनों दोस्त। मैं कहा तो जाऊँ, मैं कहा तुम बोलो ना आंटी खड़े हो जाए, मैं तो जाऊँगी आंटी से मिलने के लिए। कौन है? मैं हूँ बंदर। हाँ मंडे हमारी आंटी जी जा रही है हमें छोड़ के, काफी टाइम से दो हफ्ते हो गए ना मिली नहीं। हाँ तो आंटी आप वहाँ कब तक पहुँच जाओगे फिर घर? जैसे कल 3 बजे, कल 3 बजे की ट्रेन यहाँ से निकालूंगी, जाके प्लेटफॉर्म में जाऊंगी, मतलब नेक्स्ट डे पहुँचोगे? तो बैठे रहेगा ना राजधानी, संडे संडे कल निकलेगी ना। अरे हाँ कल तो सैटरडे है, शाम में बैठे हैं और परसों सुबह 10 बजे। आंटी बताओ पहले आओगे कब? अब मैं अब कब आऊंगी? हाँ जाऊँ और आऊँ, जाऊँ और आऊँ। आंटी अब बताओ आओगे कब? हाँ पता नहीं। अरे हाँ अभी देखो ना इतना बुला बुला के लाया है तो गुस्सा हो गया था मेरे को। और पता है मैं क्यों बना रही हूँ? आंटी मेरे को याद तो करेगी, वीडियो नहीं देखी मैं याद करी नहीं करी, तुम तो करोगे ना। आंटी हम तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अरे वो फोन नहीं है ना, मतलब टच फोन में मैं उसको चला नहीं सकता। अच्छा मेरे बेटा को मैंने बोला तुम मेरे को वही फोन देना, मेरे को चलाना नहीं। मेरी मम्मी भी बताओ सीख गए फोन चलाना, कुछ देखती भी नहीं हूँ। वैसे तो उनके पास तो है, भाभी बच्चों के पास है, तो वीडियो कॉल वगैरह उसी में करते हैं। बेटा का जब खुला रहता है वीडियो कॉल तो कुछ ऐसी तो मम्मी भैया थोड़ा चला पाएंगे, इतने ऑप्शन चला नहीं पाते। मेरे को चलता ना क्या करना बेटा, मेरे को तो घर का काम धाम वही चल रहा। अब मैं आ गई हूँ ऊपर से धूप खा के, अब बच्चों के लिए बना रही हूँ गरम गरम, मतलब पराठे तो सुबह के ही है। आज मैंने बनाया है साग, है साग और रोटी। ये भी को मिला था रिपब्लिक डे का, क्या है ये रिपब्लिक डे की ड्राइंग? ड्राइंग करी है इसने। और जो ऊपर जो रिपब्लिक, ये तो बहुत अच्छा कर रखा है, ये भी ये घास बना रखी है, झंडा भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बादल भी अच्छे लग रहे हैं। और ये क्या है? केक के ऊपर, अरे केक के ऊपर, अच्छा केक बनाया है ये। ओके ये लिखा हुआ रिपब्लिक, रिपब्लिक में थोड़ा सा गलती कर दी। हाँ यहाँ पर जो ई है ना, ये ई ये थोड़ा सा मर्ज हो गया इनके साथ, बाकी तो पूरा अच्छा लग रहा है अभी। तो ये जो है ना ड्राइंग सही है, बहुत अच्छी हो गई है अब, बस अपनी मम्मी की फोटो नहीं बनाता तू सही से। ये यहाँ पर ये रास्ता है, ये रास्ता है, अच्छा है, गुड गुड है जी, गुड। मैम को भेज दिया? हाँ भेज दिया है, भेज दिया मैम ने क्लास ग्रुप पर। मैम ने क्या कहा? गुड। काम मेरा खत्म हो चुका है, अब है चाय बनाने की बारी, अब चाय बनाऊंगी, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। काम मैंने सारा खत्म कर लिया, पानी भर लिया और ये रही मेरी चाय। काम खत्म हो गया सारे के सारा, अब गर्म गर्म चाय पियेंगे। ये चाय बन के तैयार है, लो चाय ले। क्या हो गया बेटा? बेड साफ करो पहले तो, पूरा बहुत गंदा कर रखा है। सुनो इसको इधर रख दो, दूध यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। सुनो हाँ इनको समझा लो, मैं कब से बोले जा रहा हूँ पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो। अमिशी क्या हुआ? फिर दिमाग खराब करता है मेरा, मैं बता थोड़ी देर रेस्ट करके पढ़ाऊंगी। चल ठीक है, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही बेटा वो, ठीक है ठीक है। जब तक रीडिंग कर, अगर कर ली तो एक बार और समझ के देख, अगर दोबारा रीडिंग करेगा ना तुझे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चल दूध पी लियो, ठीक है। ये मम्मी ने दिया था च्यवनप्राश का डब्बा सासू माँ ने, और ये दो बार खाया है, भूल जाते हैं इसे असल में खाना। और अब तो मैं चाय पी रही हूँ, तो ये चाय के बाद जब तबीयत खराब हुई थी तो मम्मी ने दिया था ये, अब तो मैं चाय पी रही हूँ, अब ये बाद में खाएंगे दूध के साथ, सुबह सुबह दूध के साथ लेंगे इसको। अब किचन का काम हो गया है ख़त्म, अब करते हैं लाइट ऑफ और चलते हैं अब अंदर घर में, चाय पियेंगे अब। यहाँ पर ये भी दूध पी रहा है और मैं पी रही हूँ चाय। मेरी एक्चुअली गला भी खराब था, इसलिए गरम गरम दूध पीने का मजा ही कुछ और है, गले में लगता है। पी रहे फिर पढ़ाई करो, ठीक है। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे दो एग्जाम्स रहते हैं, एक एग्जाम में दो एग्जाम्स होंगे, जीके और ड्राइंग। और अभी तो मंडे को है मेरा हिंदी का, हिंदी मर्ज है, हिंदी ए मर्ज है और हिंदी भी मर्ज है, और दोनों मिलकर आएंगे तो फिर दोनों की अभी तैयारी तो भी करता है जब मैं कराती हूँ, अपने आप से नहीं करता तैयारी। सुबह से लेकर बैठ गया था, बोला भी नहीं था आपने। तो गाइस अभी मैं चला रहा हूँ स्किट्स, और चलो चलाता हूँ।
कैमरे को पकड़ कर। भाई तो मस्त फील आ रही है। मम्मी जी पता नहीं क्या कर रही है। हेलो गाइस, मम्मी जी आप क्या कर रही हो? मम्मी जी क्या कर रही हो आप? पापड़। अरे मम्मी जी पापड़ तल रही है। वाओ पापड़, वाओ पापड़। ये क्या है? ये प्लास्टिक का बैग है, इसका मैंने वो बना दिया, क्या कहते हैं, जो गूंजता है। हेलो हेलो, 1 2 3 4। वो दिख रहा है। चलो अभी नहीं फूटा। ये रहा मेरा साग, गरम गरम खाएंगे इसे। गंदे हो रहे हैं, ठंडा हो रही है, अभी मन नहीं करो काम करने का। यहाँ पर मिर्ची को देती हूँ परांठे। ये मिर्ची कह रही मम्मी मुझे परांठे खाने का मन कर रहा है, ये सुबह बनाए थे मैंने। अभी भी मिर्ची ले, मिर्ची बेटा खा ले, ठीक है। सुबह से लगे हुए हैं काम पे अपने। देखो कॉपी किताब पढ़े, टमाटो केचप का वो पड़ा हुआ है, बैग पड़ा हुआ है। ये जब भी बैठती है ना पूरा घर ऐसे ही हो जाता है, और कितनी मर्जी सफाई कर लो। तुझे भूख नहीं लगती ना आजकल? ठीक है, तो आज से एबी का खाना बंद है।